हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड विद फन। कैसे हैं आप लोग? आज हम सांभर बड़ा बनाएंगे, तो चलिए। उड़द लिया हमने 500 ग्राम, वो 2 घंटे पहले भिगो दिया था, और मूंग धोवा दाल है, ये मैंने करीबन 50 ग्राम लिए, साथ में भिगा दिया इसको भी 2 घंटे पहले अच्छे से धो के, और ये अच्छे से भीग गई है। अब इसे हम पानी निकाल देंगे। अच्छे से इसका पानी सारा निकल गया। अब इसे हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, और इसमें 3 से 4 मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च। अच्छा मोटा पेस्ट बना लिया है हमने, और इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। नमक बनाने के पहले ही डालना है, और अच्छे से फेंटना है, जिससे बड़े बहुत अच्छे निकलेंगे हमारे। ये बड़ा बनाने की मशीन है, इसको हमने घी से ग्रीस किया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना गोल। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें बड़ा छोड़ते जाएंगे। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारे बड़े बन गए हैं। मीडियम आंच पे रखेंगे गैस को हम, ताकि बड़े अंदर तक सिक के अच्छे से बन जाए, क्रिस्पी हो जाए। और ये अड़ दाल है सांभर के लिए, ये भी मैंने 2 घंटे पहले भिगा दिया था। ये करीबन 250 ग्राम है। एक चम्मच नमक डालेंगे, वन फोर्थ हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच सांभर मसाला डालेंगे। ये देखिए एवरेस्ट का सांभर मसाला लिया हमने, और इसमें लौकी डालेंगे। लौकी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। दो सीटी लगाएंगे कुकर में। अब हमने कढ़ाई में घी डाला है, आधा चम्मच हल्दी, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है, ये 2 चम्मच ये डालेंगे। 1/2 इंच अदरक ली थी मैंने, और 5 हरी मिर्च ली थी, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है साथ में। टमाटर डालेंगे, टमाटर 200 ग्राम है। अच्छे से पकाएंगे टमाटर को, इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच। अब इसे हम कवर करके अच्छे से टमाटर को पका लेंगे। पाँच मिनट पकाएंगे, पक चुके हैं टमाटर। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक चम्मच काला नमक,
सांभर मसाला डालेंगे। दो टेबल स्पून डाला है मैंने सांभर मसाला। दाल भी हमारी रेडी है, दाल टमाटर में ऐड करेंगे। चीनी डालेंगे, 3 चम्मच हमने चीनी डाली है। चीनी ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और एक इसमें हम एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे घी और साबुत लाल मिर्च से। घी ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो लाल मिर्च हमारी जल जाएगी। गैस बंद करके लाल मिर्च डाला है हमने और अब इसे हम दाल में डालेंगे। ये देखिए हमारा तड़का लग गया। अब इसमें हम 1 चम्मच ऊपर से सांभर मसाला डालेंगे। सांभर को हमेशा एकदम पतली रखें, इसे मोटी नहीं होनी चाहिए ये। अब हम इमली पानी ऐड करेंगे। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।